नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोध पर सम्मेलन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 का आयोजन किया जा रहा है। आयोग का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति में भ्रष्टाचार एक मुख्य बाधा है। समाज के सभी वर्गों को हमारे राष्ट्रीय जीवन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो दक्षता सप्ताह का ऑनलाइन आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विजिलेंस वीक यानी दक्षता सप्ताह का आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 27 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। कोरोना महामारी के कारण आयोजन में थोड़ा विलंब हुआ है। कोरोना के कारण भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आई है, पर लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक जागरूकता निर्माण हो, इसलिए दक्षता सप्ताह का आयोजन किया गया। ई गवर्नेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए किए गए दूरगामी प्रभाव साबित होंगे। अतः आयोग ने सभी संगठन विभागों को भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु प्रभावी सतर्कता उपाय करने हेतु चयनित किया है, ताकि उनके कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेवारी में बढ़ोतरी हो सके। सतर्कता सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम लोगों को जागरूक करना है, ताकि जनहित में कार्यप्रणाली पारदर्शी बनी रहे। जागरूकता का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अधिक संख्या में SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आदि का व्यापक उपयोग किया जाएगा। लोकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी आपण 27 ऑक्टोबर पासून हा सप्ताह सुरू केला आहे, ज्याला आपण विजिलन्स वीक किंवा दक्षता सप्ताह असं म्हणतो। 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर असं याचा कालावधी आहे, आणि याच्यामध्ये आपण सर्व लोकांना हे आवाहन करतो की समाजामध्ये कुठेही तुम्हाला भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार असली तर आमच्याकडे ताबडतोब या आणि तक्रार द्या, जेणेकरून भ्रष्टाचार मुळापासून नष्ट व्हावा किंवा तो नियंत्रित व्हावा, हा त्याच्यामागील खरा उद्देश आहे। आणि आलेल्या तक्रारीवर कारवाई करून त्यांना न्याय देणं हे आमच्याकडून होतं, परंतु हे सर्व समाजापर्यंत पोहोचावं आणि ह्याद्वारे जागृती व्हावी हा या सप्ताहाचा उद्देश आहे। लोकांमध्ये अँटी करप्शन ब्युरोबाबत माहिती व्हावी, तसेच भ्रष्टाचाराबाबत तक्रारी द्याव्या, यासाठी 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर असा एक व्हिजिलन्स वीक दक्षता सप्ताह आपण साजरा करतोय। यावेळी कोरोनाची समस्या असल्यामुळे आपण सोशल गॅदरिंग टोटली अवॉइड केलेलं आहे, त्यामुळे आपण ऑनलाईन जे कार्यक्रम आहे यावर भर देतो आहे।